नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का 100 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। क्या कह रहा है दोस्तों कि जीपी में थ्री नंबर्स का सम हम लोग कितना दिया गया, 56 दिया गया है। कह रहा है कि इफ वी सब्ट्रैक्टेड 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर का मतलब हो गया कि फर्स्ट नंबर में से हम लोग को 7 माइनस करना है, सेकेंड नंबर में से हम लोग 7 माइनस करना है, थर्ड नंबर में से 21 माइनस करना है। ये नंबर किस में आ जाते हैं, एपी में आ जाते हैं। वी ऑब्टेन एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, जीपी में जो नंबर दिया गया उसका सिर्फ हम लोग को सम दिया गया है। सम कितना दिया गया, 56 दिया गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट का बात कहीं नहीं कर रहा है। जब जीपी में सिर्फ सम दिया रहेगा तो हम लोग नंबर कौन सा लेट करेंगे, ए ए आर ए आर स्क्वायर लेट करेंगे। और यदि प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए बाई आर ए आर लेट करेंगे, ए बाई आर ए और ए आर लेट करेंगे। ओके, लिखेंगे यहाँ पे लेट थ्री नंबर्स इन जीपी आर ए कॉमा ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ओके, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे क्या दिया गया, सम ऑफ नंबर्स कितना दिया गया, 56 दिया गया। ओके, आगे देखिए, सम ऑफ नंबर मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56। ओके, अब यहां से देखिए कॉमन हम लोग को आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ वन बचा प्लस, यहाँ पे ए हट चुका है, आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। इसको इक्वेशन हम लोग वन लेट कर लेंगे, लिखेंगे एंड। क्या करा है यहाँ पे कि 1, 7, 21 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। लिखेंगे इफ वी सब्ट्रैक्ट, इफ वी सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 ऑफ दीज नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन एपी। ये तो लोग दिया हुआ है, देयरफॉर देखिए फर्स्ट नंबर में से कितना माइनस करने के लिए कर रहा है, 1, तो फर्स्ट नंबर है ए माइनस 1 हो जाएगा कॉमा, सेकेंड नंबर में 7 माइनस करने के लिए, सेकेंड नंबर क्या था ए आर, इसमें से हम लोग 7 माइनस करना है, थर्ड नंबर है ए आर स्क्वायर में से 21, ये किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा, आर इन एपी। ओके, अब दोस्त देखिए जब ये तीनों नंबर एपी में है इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉमन डिफरेंस का क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि दिस टर्म में से हम लोग दिस टर्म माइनस करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, दिस टर्म में से दिस टर्म के इक्वल हो जाएगा। देखिए t2 - t1 = t3 - t1 हो जाएगा t2। आगे देखिए ये हो जाएगा ar - 7 - a - 1 = थर्ड टर्म है ar² - 21 - ar - 7। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ar - 7 माइनस मल्टीप्लाई कितनी माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू ये ar² - 21 - ar - हो जाएगा प्लस 7। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए इससे आगे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए आर, देखिए 1 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -a = ये हो जाएगा ar² - 7 और -21, 7 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -ar। आगे देखिए हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे, इस टर्म को पहले लिखिए, ये हो जाएगा ar²
माइनस 14 माइनस ए आर, इस आर टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस ए आर, ये हो जाएगा प्लस 6 और ये हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 0। आगे देखिए, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए आर और ये हो जाएगा माइनस ए आर, कितना हो जाएगा माइनस 2 ए आर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म दो सिंगल ही है, ए हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 14 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इक्वल टू 8। माइनस 8 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा हम लोगों को आर स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1 इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हो गया 2। इससे आगे देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे ए नहीं बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, कितना हो गया, देखिए यहाँ पे ए यहाँ से कॉमन लिया तो बचा आर स्क्वायर माइनस ए यहाँ से हट चुका है तो बचा 2r और ये प्लस 1। अब दोस्तों हम लोग क्या करना है, देखिए ये हम लोग को इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हम लोग को 2 है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करना है, ए एंड आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इक्वेशन 1 में, देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे ये है और इक्वेशन 2 यहाँ पे है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए आगे यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग डिवाइड करेंगे कैसे, एलएचएस को एलएचएस के साथ में। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, देखिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को दिस, यानी कि एलएचएस पर लिखते हैं ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में ये ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इक्वल टू, इक्वेशन 1 का आरएचएस कितना है 56 और इक्वेशन 2 का आरएचएस कितना है 8। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो गया और 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से बन जाए 56। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में ये आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कीजिए, देखिए तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते एज इट इज 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर और ये हो जाएगा प्लस 7। आगे देखिए हाइस्ट पावर को हम पॉजिटिव रखेंगे तो इस टर्म को पहले लिखिए, तो जगह 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए 1 लेफ्ट में राइट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस आर लेफ्ट राइट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर प्लस आर स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए 7 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 आर स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस 14 आर और माइनस आर तो ये हो जाएगा माइनस 15 आर और 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए, और यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन ले, 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दें डिवाइड में आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस ये 4 आर माइनस आर तो माइनस 4 आर माइनस आर माइनस 5 आर हो जाएगा, इतनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 आर स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 आर कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है 2 आर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा आर बचा और ये हो जाएगा माइनस ये 2, इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो इसे इसको डिवाइड करें तो बचेगा आर और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। आगे देखिए इस दोनों में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है आर माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ आर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड इफ 2 आर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 आर इक्वल टू हो जाएगा 1, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आर का हम लोग को दो वैल्यू आया है, 2 आया है 1 अपॉन 2 आया है, जब आर का दो वैल्यू आया तो ए का भी हम लोग को दो वैल्यू आएगा, इस
दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में हम लोग पुट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए इससे आगे, नाउ पुट आर इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, वी गेट इक्वेशन वन क्या है, ए इंटू वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। आर के जगह पे टू पुट किए थे, ये ए इंटू ये वन प्लस टू प्लस ये जगह टू का स्क्वायर इक्वल टू कितना 56। आगे देखिए ए ये वन प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर फोर इक्वल टू 56। ये हो जाएगा ए इंटू कितना हो जाएगा सेवन इक्वल टू 56। यहाँ से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 अपॉन में सेवन, कैंसिल कर लीजिए तो ए इक्वल टू हो जाएगा एट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू कितना टू, देन ए इक्वल टू कितना आ गया एट आ गया। आर का वैल्यू टू रखे हैं तो ए इक्वल टू कितना आ गया एट आ गया, एक वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गया। अब अगेन लिखेंगे लिखेंगे ऑल्सो आर इक्वल टू हम लोग वन अपॉन टू पुट करना है इन इक्वेशन वन, वी गेट देखिए इक्वेशन वन क्या है ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को ए ये वन प्लस आर की जगह वन अपॉइंट टू और ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 56। तो ए ये वन प्लस वन अपॉइंट फोर प्लस सॉरी ये वन अपॉइंट टू ये वन अपॉइंट फोर इक्वल टू कितना 56। अब इसे आगे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए इसका एलसीएम हो जाएगा फोर, तो हो जाएगा फोर प्लस वन टेबल फोर, फोर टाइम्स में फोर इंटू वन हो गया फोर प्लस ये टू टू जा फोर टू हो गया प्लस ये हो गया वन इक्वल टू 56। आगे देखिए ये हो जाएगा ए इंटू फोर प्लस टू प्लस वन ये सेवन अपॉन फोर इक्वल टू 56। ये फाइनली हो जाएगा सेवन ए अपॉन में फोर, सेवन ए अपॉन में फोर इक्वल टू कितना 56। आगे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा सेवन ए इक्वल टू 56 इंटू फोर, यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 56 इंटू फोर अपॉन में सेवन, कैंसिल हो जाएगा तो 32 हो गया, एट इंटू फोर कितना 32, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 32। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आर का वैल्यू हम लोग कितना रखे थे वन अपॉन टू, आर इक्वल टू वन अपॉन टू, देन ए इक्वल टू कितना 32। हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आर का वैल्यू जब वन अपॉइंट टू तो ए का वैल्यू 32 और जब आर का वैल्यू टू है तो ए का वैल्यू कितना 8। अब हम लोग नंबर निकाल लेंगे वह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए यहाँ पे लिखे हैं देयरफॉर नंबर्स व्हेन ए इक्वल टू 8 आर इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर्स व्हेन ए इक्वल टू 32 और आर इक्वल टू 1/2। तो पहला नंबर क्या है ए, ए कितना है 8 हो गया। सेकेंड नंबर क्या है ए आर, ए आर का मतलब क्या होगा 8 इंटू 2 यानी कि 16। थर्ड नंबर क्या लड़के थे ए आर स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 4 यानी कि 32। यहाँ से हम लोग नंबर कितना मिला 8 16 32। ओके अब यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर क्या होगा ए यानी कि 32, ए आर यानी कि 32 इंटू आर का वैल्यू कितना 1/2 16 हो गया। थर्ड नंबर ए आर स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा 32 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो हो जाएगा 8। यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 32 16 और 8, तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये और ये। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, क्या कह रहा है कोई कोर्स है जिसमें ग्रेड ए लाने के लिए कह रहा है कि वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, क्या कह रहा है कि कम से कम उसको 90 या 90 से ज्यादा चाहिए मार्क्स। फिर से समझिए कि टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, एवरेज मार्क्स कितना दिया गया 90 या 90 से ज्यादा, 90 से या 90 से ज्यादा लाएगा तो क्या हो जाएगा उसको ग्रेड ए मिलेगा।
इन फाइव एग्जामिनेशन इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट फोर एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95। क्या कह रहा है कि सुनीता जो है फर्स्ट फोर पांच फाइव जो है एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें से फोर में से उसका मार्क्स इतना 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 और इतना दिया गया। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन। कह रहा है तो सुनीता जो है फिफ्थ एग्जामिनेशन में कम से कम कितना मार्क्स लाएगी टू गेट ग्रेड ए। ग्रेड ए लाने के लिए उसको कितना मार्क्स चाहिए कम से कम इन द कोर्स। यही दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि देखिए फिफ्थ फाइव एग्जामिनेशन होता है जिसमें ग्रेड ए लाने के लिए एवरेज मार्क्स कितना है 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट फोर एग्जामिनेशन का मार्क्स हम लोग कितना दिया गया तो बताना कि फिफ्थ एग्जामिनेशन का मार्क्स कितना होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिनियर इनइक्वालिटीज का है। यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट सुनीता स्कोर इन फिफ्थ एग्जामिनेशन बी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एवरेज जो है एवरेज क्या कह रहा है कि 90 और मोर देन 90। देखिए यहाँ पे एवरेज क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, यानी कि एवरेज हम लोग क्या दिया गया है, एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिया गया 90 दिया गया, 90 या 90 से ज्यादा। ओके, एवरेज क्या दिया गया 90 और मोर देन 90। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ओके ऑब्जर्वेशन यानी कि ग्रेटर देन किसके 90 के। एवरेज मार्क्स क्या कह रहा है 90 और मोर देन 90। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा कि फिफ्थ एग्जामिनेशन में जो उसका टोटल मार्क्स आया है सो, तो देखिए फोर एग्जामिनेशन का मार्क्स तो हम लोग दिया गया है ये 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 और प्लस हम लोग क्या करेंगे एक्स लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जामिनेशन मार्क्स इसका क्या है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, फिफ्थ एग्जामिनेशन में लेट किया एक्स अपॉन में कितना 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5, 4, 9, 9 और 2, 11, 11 और 7 हो गया 18, कैरी 1 हो गया 9 और 9, 18 और 9, 27 और ये हो गया 8, 35 और 1, 36 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 368 और यहाँ पे दोस्तों प्लस एक्स भी होगा क्योंकि देखिए ये सारे नंबर को ऐड किए और ये प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हम लोग को 368 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इंटू 5 हो जाएगा 450। देखिए 368 प्लस एक्स इंटू 1 तो 368 प्लस एक्स हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 और ये प्लस 368 आएगा इधर तो राइट साइड में तो जाएगा माइनस 368। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 8 जाएगा तो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो जाएगा 8 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 82 हो गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 मतलब क्या होगा 82 या 82 से बड़ा, तो पूछा था इसका मिनिमम मार्क्स तो लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम Therefore, minimum marks is 82 to receive grade A in a course. क्या हो इसका मतलब कि minimum marks 82 चाहिए course A course में grade A लाने के लिए। फिर समझ यहाँ पे कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए 82 चाहिए टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स, कोई कोर्स है जिसमें हम लोग ग्रेड ए लाने के लिए कितना चाहिए मिनिमम मार्क्स 82 चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का आ रहा है कि इफ द पीएथ क्यूएथ
एंड आरथ टर्म ऑफ ए जेपी आर ए कॉमा बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि कोई जीपी है जिसका पीएथ टर्म ए दिया गया है, क्यूएथ टर्म बी दिया गया है और आर टर्म दिया गया सी दिया गया है, देन प्रूव दैट ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेट करेंगे। दोस्तों देखिए जीपी में लोग क्या लेट करते थे, फर्स्ट टर्म ए लेट करते थे और कॉमन रेशियो क्या लेट करते थे, आर लेट करते थे दोनों स्मॉल में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म ए स्मॉल ए हम लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए दिया गया है, और स्मॉल आर भी नहीं लेट करेंगे क्योंकि हम लोग को स्मॉल आर दिया गया है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो। ओके, अब देखिए यहां पे क्या दिया गया, पीएथ टर्म जो है, पीएथ टर्म क्या दिया गया, पीएथ टर्म ए दिया गया है। देखिए यहां पे पीएथ टर्म है ए दिया गया। तो दोस्तों यहां पे समझिए कि nth टर्म क्या होता है जीपी का, ये होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है ना, nth टर्म क्या होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है कॉमन रेशियो, तो फर्स्ट टर्म ए है कॉमन रेशियो आर है एन माइनस वन, एन था तो एन हुआ, यहां पे पी है तो क्या हो जाएगा पी माइनस वन हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखिए पीएथ टर्म का मतलब हो गया ए आर टू दी पावर पी माइनस वन इक्वल टू, ये हो गया ए, इसको इक्वेशन वन लेट कर लीजिए। आगे देखिए एन लिखिए, क्यूएथ टर्म क्या दिया गया, क्यूएथ टर्म दिया गया, क्यूएथ टर्म दिया गया बी दिया गया है, तो ठीक इसी तरह से क्यूएथ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म कैपिटल आर कॉमन रेशियो टू दी पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, ये हो गया इक्वेशन टू। आगे देखिए एंड ऑल्सो देखिए आरथ टर्म कितना दिया है, आरथ टर्म जो है किसके इक्वल, सी के इक्वल है, तो आर टर्म का मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी, ये इक्वेशन हो गया थ्री। अब देखिए लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूफ, लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूफ, ये क्या है ए टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर माइनस पी इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे एलएचएस से, तो ए टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर माइनस पी इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, देखिए ये ए है ना, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है ए आर टू द पावर पी माइनस वन, यहां पर लिखेंगे ए आर टू द पावर पी माइनस वन और इसका पावर कितना है क्यू माइनस आर, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर हो जाएगा, फिर इंटू बी, बी क्या है जो इक्वेशन टू है, यह ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, देखिए इक्वेशन टू क्या है बी का वैल्यू है ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन, इसका पावर कितना हो जाएगा आर माइनस पी, फिर इंटू, फिर यहाँ पे c का पावर, c का वैल्यू रखिए, c है देखिए c है इक्वेशन थ्री क्या है ए आर टू द पावर आर माइनस वन, ए आर टू द पावर आर माइनस वन और इसका पावर कितना हो जाएगा p माइनस क्यू। अब इसको फाइनली सॉल्व कीजिए, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, देखिए इसे आगे नेक्स्ट पेज में। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका पावर है यहाँ पे क्यू माइनस आर, ये हो जाएगा ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू इसका पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू ये आर का पावर हो जाएगा पी माइनस वन और इंटू में क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर, क्योंकि पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर समझिए कि ब्रैकेट में है यहाँ पे ये ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू ये आर का पावर दिस उसका पावर ये है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये a का पावर हो जाएगा यहाँ पे r माइनस पी इंटू ये r का पावर हो जाएगा q माइनस वन और इंटू क्या हो जाएगा r माइनस पी हो जाएगा, या फिर समझिए r का पावर दिस और उसका पावर ये, तो ये पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब इसको देखिए ये a का पावर क्या हो जाएगा a टू द पावर p माइनस क्यू इंटू ये r का पावर हो जाएगा ये r माइनस वन
और इनटू में क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। अब इससे आगे दोस्तों देखिए कि यहां पे देखिए ए का पावर यहां पे है, ए का पावर यहां पे है और ए का पावर यहां पे है। तो देखिए बेस सेम, सब मल्टीप्लाई में देखिए बेस सेम है, यहां पे ए है, ए है और ए है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और आर वाले को हम लोग एक साथ में लिखेंगे, ए वाले को हम लोग एक साथ में और आर का पावर को आर वाले को हम लोग एक साथ में लिखेंगे। देखिए इससे आगे, अब इससे आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए टू दी पावर क्यू माइनस आर, ए वाले को हम लोग एक साथ में लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर इन टू इसको लिखिए यहाँ पे ए का पावर आर माइनस पी, फिर इन टू और ये हो गया ए का पावर पी माइनस क्यू, फिर यहाँ पे इन टू अब आर वाले को लिखिए, यहाँ पे आर का पावर ये है, ये हो जाएगा आर का पावर पी माइनस वन इन टू क्यू माइनस आर, फिर इन टू ये आर का पावर सेकेंड वाला लिखिए यहाँ पे क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर इसके साथ में यहाँ पे देखिए ये और एक और आर आएगा यहाँ पे, ये वाला तीनों इंटू में है, यहाँ स्पेस नहीं इसीलिए हम लोग नीचे में लिख रहे हैं। यहाँ पे आर का पावर हो जाएगा आर माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस क्यू। अब इससे आगे देखिए, अब यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ए टू दी पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, फिर यहाँ पे इंटू यहाँ पे देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर का पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये पहला पावर हो गया, फिर प्लस ये दूसरा पावर को लिखिए यहाँ पे क्यू माइनस वन और ये आर माइनस पी, फिर प्लस ये तीसरा पावर को लिखिए यहाँ पे आर माइनस वन और इंटू पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, ये प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, ये हो गया ए का पावर जीरो इंटू आर का पावर, और इसी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस क्यू, और ये हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, फिर प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा माइनस क्यू को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा माइनस आर और ये हो जाएगा प्लस पी हो जाएगा, फिर प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आर पी को, देखिए आर इंटू पी हो जाएगा आर पी, तो इसको लिखिए पी आर लिख लीजिए, आर से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर क्यू, तो हो जाएगा माइनस आर क्यू, माइनस वन से पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसका सारा टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ प्लस पी क्यू है, देखिए प्लस पी क्यू से ये माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पी आर है तो माइनस पी आर से ये प्लस पी आर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस क्यू आर है और ये माइनस क्यू आर, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, सारा टर्म देखिए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ए टू दी पावर जीरो इन टू ये आर टू दी पावर क्या हो जाएगा जीरो, और हम जानते हैं किसी चीज पावर जीरो क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है वन होता है, तो ये वन इन टू वन इक्वल टू ये वन हो गया, और ये हो गया आर एच एस। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड, लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का रहा क्वेश्चन की सॉल्व द इनइक्वालिटीज x अपॉन टू लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, बीच में साइन माइनस का है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा x अपॉन टू लेस देन 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 के टर्म 15 5 टाइम्स में, तो हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 7x माइनस 3। आगे देखिए x अपॉन टू लेस देन ये 15 5 से मल्टीप्लाई की तो 25x माइनस 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई की तो माइनस 21x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9। आगे देखिए ये हो जाएगा x अपॉन टू लेस देन देखिए 25x में से 21x जाएगा तो हो जाएगा 4x और ये देखिए माइनस 10 और ये प्लस 9 ये हो जाएगा माइनस 1 और अपॉन में 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 15 इंटू एक्स हो जाएगा 15x लेस देन 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए
8x और ये हो जाएगा माइनस टू। आगे देखिए x वाले को एक साथ मिलाइए 15x प्लस 8x को लेफ्ट लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 8x लेस देन हो जाएगा माइनस टू। तो 15x में से 8x जाएगा तो हो जाएगा 7x लेस देन हो जाएगा माइनस टू। देखिए पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, इसको डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो x लेस देन हो जाएगा माइनस टू अपॉन में 7। तो x का वैल्यू कितना हो गया माइनस टू से लेस, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, लेकिन देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस टू बाई सेवन से लेस तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी में क्या होता है इन्फिनिटी पॉजिटिव या निगेटिव में क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट लगता है यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन सेवन। तो यही दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए बताइए कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।